तो आदित्य जी जो नेक्स्ट स्टेप है पंचांग के बाद वो इतिहास का स्टैम्प टाइम स्टैम्प करने के लिए उसके लिए हमें पंचांग प्लस ये जो ग्रहों की स्थिति रहते है जो महाभारत में दी हुई है महाभारत में पचास के आसपास रेफरेंस है रामायण में मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर पता नहीं बट टोटल 600 जो रेफरेंसेस है उसमें से कम से कम 30-40 वो ग्रह की स्थिति के बारे में उसका उल्लेख है उसका उपयोग करके हमें इतिहास का टाइम स्टैम्प हो जाता है ना उसके आगे की बात बताता हूँ इतिहास का भी क्या है जब एक पर्टिकुलर ऐतिहासिक इंसिडेंट बनता है तो वो शॉर्ट टाइम में होता है रामायण का आप रामायण की आप बात कहें तो एक समझ लो हंड्रेड ईयर्स या सिक्सटी ईयर्स की बात करेंगे महाभारत की भी बात करेंगे और एकदम प्रदीप शंतनु से भी प्रारंभ करेंगे तो भी एक 300 400 इयर्स की मैक्सिमम बात चल रही है उससे भी ज़्यादा समय नहीं है परंतु उससे भी आपको आगे जाना है इसलिए मैं कहूंगा कि हमने पंचांग से प्रारंभ किया वो ईयरली सत्र के लिए संवत्सर के लिए ठीक है उसके बाद पंचांग प्लस ग्रह स्थिति किया तो ऐतिहासिक स्टैंप मिल जाता है उसमें हमने क्या किया कि जो नक्षत्र है वो जैसे के वैसे स्थिर है लेकिन आप भारतीय सनातन संस्कृति का जो इतिहास है वो इतना पुराना है कि उसमें नक्षत्र भी नक्षत्र का अर्थ ही है न क्षरती नक्षत्र जो मुंह नहीं होते लेकिन भारतीय सनातन परंपरा इतनी पुरानी है कि समझ नहीं आती है। <laughs> नहीं आएगी आप जो बात कर रहे हैं ना वो मिलेनियम, <laughs> शायद दूसरे मनवंतर की भी बात कर रहे हैं कि नक्षत्र होते हैं उसमें नक्षत्र होते हैं उसमें सिर्फ एक लेता हूं वो, वो इसकी बात इस करंट बात नहीं कर रहे वो वो बात कर रहे हैं कि पहले मनवंतर हाँ, जो भी पहले मनवंतर में तो होगा ही बिकॉज हमारे इसमें जो रेफरेंसेस ब्रह्मा के वो रहे होंगे लेकिन मैं उतना पीछे भी जाता नहीं मैं लास्ट 150 एंड के सिर्फ बात करता हूँ वो भी लोगों को समझ में नहीं आती नक्षत्र स्वाति ये अगेन हमारे रूपा भाटी जी का रिसर्च है नक्षत्र स्वाति को हमारे तैत्तीय ब्राह्मण में और ये किन वशिष्ठ गृह सूत्र अपस्तंभी वैशिष्ट वाली है हम मैं अपस्तंभी <laughs> है और और भी ग्रंथ में कहा है स्वाति नक्षत्र को निष्ठा ऐसा कहा है और उसका अर्थ होता है फॉरेनर एंड ट्रैवलर ये ये अपना रूपा भाटी जी का रिसर्च है <laughs> ब्रिलियंट रिसर्च है उनको उसके लिए भी भारत रत्न देना चाहिए लेकिन अभी वो क्या किसी के दिमाग में जाने वाला नहीं है भारत रत्न छोड़ दो लेकिन वही भारत जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर वो व्यासदेवी उनको भारत रत्न कृपा करके देंगे इतना पावरफुल रिसर्च है वो निष्ठा यानी फॉरेनर और ट्रैवलर उसका अर्थ क्या ये जो हमने 27 नक्षत्र की बात की ना जो स्टडी है कब से स्टडी है इनका निर्माण भी कब हुआ ये हमें सूर्य सिद्धांत महाभारत रामायण पढ़ के समझ में आता है रामायण में उसके रेफरेंसेस है महाभारत में उनके इनडायरेक्ट रेफरेंसेस है वन पर्व में पूरी कथा बताई गई है ये कब हुआ

तब से वो नीचे 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 मीन इक्लिप्टिक के उत्तर से इक्लिप्टिक तक वो आई है इतना नदी इक्लिप्ट के नदी तो है ही नहीं लेकिन उसका एक समय में अंत, अंत अंत अंदर लाया गया कि चलो अभी आपको हम नक्षत्र कहेंगे लेकिन नक्षत्र कहते हुए भी उनकी जो पुरानी जो मेमोरी है वो अभी भी है कि भाई आप फॉरेनर हैं आप ट्रैवल करके आए हैं इसलिए उसका नाम निष्ठा है तो ये मैं बता रहा हूँ कि जब नक्षत्र ही हिलने लगते हैं नक्षरती थी नक्षत्र जो हिलते नहीं वो नक्षत्र है लेकिन वो जब हिलने लगते हैं तो सनातन की पुरातता कितनी है वो लोगों को समझ में आने लगती है दिस इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस क्विकली आपको चार बात बता दो जो एंड किया था मैं हमारा कल रात का लेट नाइट का डिस्कशन में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एस्ट्रोनॉमी बहुत डिफिकल्ट है और जो स्टूडो एस्ट्रोनॉमर्स शुडो रिसर्चर्स है ये उसका फायदा उठा के ऐसा ही लोगों को कहते रहते हैं कि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट इसलिए है कि उनको भी समझ में नहीं आती ये मैं एक असर्शन करके बता रहा हूँ अभी जो हमारे भारतीय डेटिंग में इतिहास के डेटिंग में जो सब लोग हैं महाभारत के डेटिंग में हो और रामायण के डेटिंग में हो मैं आपको आपके माध्यम से आदित्य जी सत्तावर जी के माध्यम से ये मैं क्लेम कर रहा हूँ असर्ट कर रहा हूँ जो भी आप कुछ कहें नंबर पिकअप कर रहा हूं, 99 से ज़्यादा जो रिसर्चर आज जाने माने समझे जाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमी समझ में आती ही नहीं ये मेरा क्लेम है और इसलिए क्लेम है कि, कि किसी को लग रहा है कि भाई मेरा मेरा क्या आप वो बता रहे हो मुझे एस्ट्रोनॉमी आती है तो आए और सप्तोलॉजी के लिए आपके मीन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिबेट करें, दिकुण 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 करें। चार प्रिंसिपल्स हैं सामान्य लोग थैंक <laughs> यू सामान्य लोगों के लिए मैं चार प्रिंस चार पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको मैं लास्ट कल नाइट के इंटरेस्टिंग डिस्कशन में हुए उसके बियॉन्ड एस्ट्रोनॉमी नहीं है इसका मतलब यह मत जो कि चार में आ गए तो आगे नहीं थोड़ा तो आगे पीछे स्टडी करनी ही पड़ेगी लेकिन ये फाउंडेशनल है और ये नहीं समझे तो कुछ समझ में नहीं आएगी वो ये बात है कि पृथ्वी के अलग अलग मोशन है पृथ्वी खुद के आगे घूमते रहती है वो जो है ट्वेंटी फोर आवर वाला मोशन देन सूर्य के ऐसा सर्कल करती है वो हो गया एक साल सिक्स थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ईयर्स वो अभी दूर रखो ये चलते ही रहता है उससे अभी जो मैं आगे बताने वाला वो कन्फ्यूज़ नहीं करने का लेकिन जो पृथ्वी का जो अक्षय है जो पॉइंट कर रहा है वो वही फिक्स रखे वो भी ऐसा ऐसा घूमता है डो टू डिग्री में बट उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ वो अब्लिक्विटी हो गई लेकिन जिसको हम असंपात चलन जो कहते हैं अयन गति ओके okay, प्रिसेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ये जो अक्ष की जो मूवमेंट है वो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ईयर्स की है और उसके कारण चार आउटकम्स आते हैं और ये जो पूरा महाभारत रामायण उसके जो पूरे एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस है दे मेक यूज ऑफ दिस ब्यूटिफुल क्सीस उसके ऊपर ही पूरे जो थ्री हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड टोटल नाइन हंड्रेड एस्ट्रोनोमी डिस्क्रिप्शन है दे आर ऑल बेस्ड ऑन दीज फोर मोशन सॉरी दिस मोशन जिसके फोर कॉन्सिक्वेंसिस है कॉन्सिक्वेंस वन ये है कि पोल स्टार्स चेंज नंबर वन दूसरा द नक्षत्र ऑफ द सन एट द पॉइंट ऑफ स्प्रिंग इक्वेनॉक्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट ऑल्सो चेंजेस नक्षत्र चेंजेस बैकग्राउंड नक्षत्र कि जब सूर्य का वसंत संपात में रहता है हमारे यहां से देखते हुए वो भी चेंज होता है। तो अंडरस्टुडे लेकिन इसलिए मैं डेलीवेटली वसंत संपात का बोल रहा हूँ सो दिस इज नंबर टू स्टार चेंज नंबर वन और सूर्य का नक्षत्र वसंत संपात का ये प्रिशेषण के कारण चेंज होता है उसका ही कॉन्सिक्वेंस ये है कि जहां सूर्य का पोजीशन है उसके एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट जब चंद्र होता है तो पूर्णिमा होती है और उसका नक्षत्र कैसा डिसाइड होगा पूर्णिमा का नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है उससे डिसाइड होगा ना कहा वन एटी डिग्री वाला होगा इसी के कारण जो मास या जिसको हम सौम्य मास बोलते हैं उसका कौन सा ऋतु में वो आता है वो भी स्लोली चेंज होते रहता है एवरी टू थाउजेंड ईयर्स मास एक

ए स्टार पेयर मैं पेयर इसलिए कह रहा हूँ इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑल्सो पेयर इसलिए क्योंकि अरुंधति वशिष्ठ मेरे मन में है करके ए स्टार पेयर उनका रिलेटिव मोशन एज सीन फ्रॉम द अर्थ मे चेंज नॉट ऑलवेज विल चेंज मे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम एंड दैट ऑल्सो इज बिकॉज ऑफ द प्रोसिजन ऑफ अर्थ एक्सेस ये चार पॉइंट समझ में आ गया ना बेसिक एकदम सॉलिड समझ में आ गया फंडामेंटल जैसा तो एस्ट्रोनॉमी उसके बाद नॉट एट ऑल डिफिकल्ट अमेजिंग सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स इसको नोट कर लीजिए लिखिए एंड रिसर्च करिए क्योंकि आप खुद ही रिसर्च करिए क्योंकि हमारा सनातन धर्म इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी आप स्वयं स्वाध्याय करिए स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय अपने बेनिफिट के लिए दूसरे के लिए नहीं दूसरे दिखाने के लिए नहीं दूसरे को कमेंट करने के लिए नहीं दूसरे को क्रिटिक करने के लिए नहीं अपने समझने के लिए करिए और कभी समझ में ना आए तो संशय है तो पूछ लीजिए ईमेल कर दीजिए उनका ईमेल बड़ा सिंपल है डॉक्टर नो फाइव फाइव सिक्स वन एट जी डॉट कॉम तो वहाँ पर ई कर दीजिए उनको और अगर आपको उनको ईमेल करने में शर्म आती है तो सतोलोज जी में कर दीजिए सत्योलॉजी पर ही ई मेल कर, कर दीजिए सत्योलॉजी एट सत्योजी हमारा टीम इतना बड़ा नहीं है कि सारे ई मेल हैंडल कर पाएंगे तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसी बताएंगे हम कर रहे हैं मैं बोलूँगा वो बोलेंगे मुझे भेजो भेजो मत ईमेल भेजो मत स्वाध्याय प्रवचन सत्तालोजी के वीडियो देखते रहिए और सोशल मीडिया पे थोड़ा इंटरेक्शन कम करिए प्लीज एक सही कहा सोशल मीडिया वो वैसे भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म है अमेरिकन को फ्री स्पीच नहीं है तो आपको क्यों होगी <laughs> तो गुड पॉइंट तो आप सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल बेर मिनिमम करिए समय कम बर्बाद करिए वहां पे मैं बोलता हूँ पेड़ पौधे लगाइए और अपने हाथों को थोड़ा मिट्टी में गंदा करिए किसी का मदद करिए तो वो सब चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो विद दैट और हरि नाम लीजिए अगर समय बहुत ही ज़्यादा है तो हरिनाम नाम तो पाँच मिनट में ले सकते हैं सो विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस शो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब लेट मी नो योर फीडबैक नमस्ते जय जगन्नाथ